लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। आपका भी अगर कोई सवाल है तो मुझे कॉल करिए और बताइए अपनी प्रॉब्लम को। नंबर है 011-6691-9191। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। हाँ जी लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ पर वो अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है पर मुझे ये लगता है कि जो हमारा प्यार है वो नाजायज है। अब मैं उससे एक महीने से बात नहीं कर रही हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। प्लीज लव गुरु मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी रिश्ता जब अपनी हद पार करता है तो वो गलत हो जाता है। ये बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आप किसी से दोस्त रहें तो वहाँ तक चीजें ठीक है। कई बार एक इंसान को लेकर आपके दिल में अट्रैक्शन हो जाती है, वहाँ तक भी चीजें ठीक है। बट जब आप उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो चीजें वहाँ से गलत होनी शुरू हो जाती हैं। इन अ वे आप अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं। अगर मकसद एक इंसान से प्यार करने का है और मकसद ये है कि उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी को आप आगे देखती हैं, तो उसका सिंपल सा एक तरीका है कि उस इंसान को आप हमेशा के लिए छोड़ दें जिसके साथ आप एक रिश्ते में बंधी हुई हैं, एज इन जिनसे आपने शादी की हुई है। क्योंकि एक समय पर दो रिश्तों को इस तरीके से साथ लेकर चलना शायद दोनों ही लोगों के लिए एक तरीके की बेईमानी है। साथ ही मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में ना ऐसा मोड़ तब भी आता है जब हम अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत अकेलेपन में होते हैं, या हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही होती। तो बजाय उन चीजों को सही करने के, बजाय उन चीजों को दुरुस्त करने के, हम अपनी जिंदगी में एक पिलर ढूंढ लेते हैं जो शायद हमारे लिए एक सपोर्टिंग एलिमेंट होता है हमारी लाइफ में। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप एक सपोर्टिंग एलिमेंट चाहती हैं टेम्पररी, या जिंदगी भर के लिए चाहती हैं कि जो रिश्ता आपके पास है वो खूबसूरत हो। अगर ऐसा है तो उनके लिए एफर्ट्स करिए, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप उस लड़के को चाहती हैं तो फिर आप ये सोच लें कि क्या करना चाहती हैं। अगर उसके साथ सेटल होना है तो अपने रिश्ते को रिजॉल्व करें, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दें और आगे बढ़ें, शायद वो ज्यादा मुनासिब होगा। अदरवाइज ये रिश्ते, आपने सही कहा, जायज नहीं कहलाते। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और सुनते रहिए रेडियो सिटी।